क्लास सेवन सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 4.4 बोर्ड पर ध्यान देकर समझे। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है गुणा कीजिए। तो देखिए, ये दिया है 2/9 को 5/11 से। तो यहां रखेंगे -2 × 5/9 × 11। ये नंबर किसी से कटता नहीं है नीचे ऊपर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 × 5 = 10, 11 × 9 = 99, बस हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। देखिए फोर वाला हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है -1/6 को -5/-4 से। तो देखिए इसमें नीचे भी माइनस का, ऊपर भी माइनस का, तो ये धनात्मक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, यदि नीचे ऊपर निशान समान लगे हो तो धनात्मक की संख्या होती है। तो यहां लिखेंगे -5, ठीक। इसको रखेंगे -1 तो हो गया, माइनस नहीं है, 6 × -4, ये भी किसी से करता नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस, और 5 × 5, और प्लस माइनस माइनस, 6 × 4 = 24, बस हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 5 बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है -36/7 को 28/9 से। तो यहां रखेंगे -36/7 ×
माइनस 28 अपान 9। तो देखिए 9 से नंबर कट जाएगा, 9 बन जाए 9 और 9 फोर जाए 36। 7 से नंबर कट जाएगा, 7 बन जाए 7 और 7 फोर जाए 28। अब हम गुणा करेंगे, माइनस 4 इंटू माइनस 4। अब भैया हर संख्या के नीचे 1 होता है तो 1 नीचे लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस 4 फोर जाए 16 बस हो गया। इसी प्रकार से फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड बता रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए सेकंड का पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, माइनस 5/9 इंटू 72/-25। तो देखिए 9 के टेबल से कट जाएगा, 9 बन जाए 9 और 9 8 जाए 72। ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 बन जाए 5 और 5/5 जा 25। तो ऊपर क्या होता है, माइनस 1/1 इंटू 8/-5। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 8/8 और प्लस माइनस माइनस 5/5 बस ये हो गया। और कोई पूछे ये संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक, तो ये संख्या धनात्मक है, ऊपर नीचे समान चिन्ह होने पर संख्या धनात्मक होती है। तो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, इजी है। फिर भी हम एक दो क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी का बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 11/9 इंटू माइनस 81/88। तो को 9 से कट जाएगा, 9 बन जा 9 9 जा 81, 11 बन जा 11, 11 8 जा 88। तो ये बचा 1/1 इंटू माइनस 9/8 ये बचा। गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 9 बन जा 9 और 8 बन जा 8 बस हो गया। इसी का लास्ट वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है माइनस 50/7 इंटू 14/3। ये 7 से कट जाएगा, 7 बन जा 7 और 7 2 जा 14। अब कोई नंबर नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे मालूम हुआ है
52 से कट रहा है तो इसको इसको नहीं काटोगे, एक नंबर नीचे का और एक नंबर ऊपर का होना चाहिए। तो यार बचेगा माइनस 50/1 इंटू 2/3, तो माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 10 और 3 × 3 बस हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सभी बच्चे करके दिखाएं।